क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन में कह रहे हैं कि अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। जैसा कि ये गिवन है डायग्राम में, डायग्राम में दे रखा है कि यह सॉलिड सिलेंडर है, इसके दोनों साइड से एक कैविटी निकाली जाती है हेमिस्फेरिकल शेप में, दोनों तरफ से काट लिया जाता है। फिर कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट, सॉरी इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है ये, 10 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा, इसके आगे दे रखा है रेडियस, कितना गिवन है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो आपको बताना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। जब ये आप कट करके निकाल देंगे, आप ये पूरा कट करके निकाल देंगे, ये भी कट करके निकाल देंगे, तो बचेगा क्या, एक ऐसा आर्टिकल बन जाएगा कुछ, आप इस तरीके से देखें तो ऐसा बनेगा शेप, ऐसा शेप बनकर आएगा। तो इसमें आपको क्या बताना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, देखिए तो इसका आपको निकालना है टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, क्या बताना है, सीएसए ऑफ सिलेंडर और सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस टू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, यही होगा, बोलिए। ठीक है, अच्छा सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, सीएसए ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर, हाँ सीएसए ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh, क्या होता है 2πRh प्लस इंटू 2 इंटू हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा, 2πR2। बात क्लियर है? अच्छा आप कॉमन ले सकते हैं, 2πR कॉमन हो जाएगा, इधर क्या बचेगा h और इधर क्या बचेगा 2R, क्या बचेगा 2R। क्लियर है? 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू कितना हो जाएगा 3.5, मींस 7/2 कर सकते हैं। अगर आप रेडियस देखें तो ये 3. क्या है, 5 है, इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया, इसको काटेंगे हो जाएगा 2, 5 से कैंसिल करेंगे 2 और ये हो जाएगा 7, इसका मतलब 7/2 हो जाएगा क्या, रेडियस। ठीक है, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 और ब्रैकेट में h की वैल्यू कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर प्लस इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 7, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, देन कितना आ जाएगा 22 into 17 into 34 और 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया है। समझ में आया? यस सर। ठीक, ओके।